आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। लौकी लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि लौकी और उसकी डंठल का रंग हल्का हरा होना चाहिए और लौकी की स्किन स्मूथ और स्पॉटलेस होनी चाहिए। ये 750 ग्राम लौकी है। लौकी के दोनों तरफ के कोनों को काटकर उसके दो टुकड़े करेंगे। दोनों टुकड़ों के छिलके उतार देंगे। छिलके उतार कर लौकी धो ली है, इसके छोटे टुकड़े करेंगे। लौकी का छोटा टुकड़ा खाकर देखें, कड़वी लगने वाली लौकी न लें। इस तरह लौकी का अंदरूनी हिस्सा निकाल देंगे। इस तरह टुकड़े कर लेंगे ताकि लौकी कद्दूकस करने में आसानी हो। लौकी ग्रेट कर लेंगे। लौकी ग्रेट कर ली है। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रखी है, इसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें 1/2 कप ड्राई फ्रूट्स डालकर भून लेंगे। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं, निकाल लेते हैं। ग्रेट की हुई लौकी डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है। लौकी घी में पकाने से स्वाद बढ़ता है। लौकी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है, इसमें 1.5 कप नॉर्मल टेम्परेचर का फुल फैट दूध डालेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालने से लौकी के हलवे को खोए जैसा टेक्सचर मिलता है। अगर आपको खोया टेक्सचर पसंद ना हो तो आप गर्म दूध डालें। दूध गाढ़ा होने तक पकाना है। दूध गाढ़ा हो चुका है, 1/2 कप चीनी डालेंगे। चीनी की मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। हलवा गाढ़ा होने लगा है, चीनी डालने के बाद लगभग 10 मिनट लगे हैं। फ्राइड ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। मिक्स करेंगे, 2 मिनट पका लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दानेदार लौकी का हलवा रेडी है।